हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे खूबसूरत जगह है और उसे और खूबसूरत बनाती है यहाँ की हसीन वादियाँ, देवदार के घने जंगल, आसमान सी नीली झीलें और जहाँ तक आपकी नजर जाए वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे खूबसूरत रास्ते और खूबसूरत पहाड़ी घर। तो आज के सफर में हम आपको एक ऐसी ही खूबसूरत जगह के सफर पे लेके चलेंगे और वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको वहाँ घूमने की सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। सबसे पहली जगह जिसे आप अपने चैल के ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है साधुपुल। साधुपुल एक छोटा सा और बेहद ही खूबसूरत गाँव है कंडाघाट चैल रोड पे। अश्विनी खड्ड के किनारे पे बसा ये गाँव जाना जाता है अपने शानदार कैंपिंग एक्सपीरियंस और रिवर डाइनिंग के लिए। साधुपुल चैल से लगभग 12 किलोमीटर पहले ही आ जाता है, तो खासकर अगर आप गर्मियों में यहाँ का ट्रिप बना रहे हैं तो आपको नदी में पैर रख के यहाँ पे अपना लंच एंजॉय करने का मौका जरूर मिलेगा। साधुपुल में आप आधे से एक घंटे का वक्त बिता सकते हैं और उसके बाद आप चैल की ओर निकल सकते हैं। चैल की सबसे खास बात यह है कि ये चंडीगढ़ से लगभग 106 किलोमीटर के आसपास ही है, तो आप वीकेंड्स पे भी यहाँ का ट्रिप इजीली प्लान कर सकते हैं। अगली जगह जिसे आप अपने चैल के ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है काली का टिब्बा मंदिर। एंड ट्रस्ट अस गाइस, काली का टिब्बा मंदिर चैल की सबसे आकर्षित और खूबसूरत जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे आपको काली माता को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने को मिलता है। और क्योंकि ये मंदिर एक पहाड़ की चोटी पे स्थित है तो यहाँ से नज़ारे आपको बहुत ही शानदार मिलते हैं, खासकर आपको शिवालिक पर्वतमाला के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। काली का टिब्बा मंदिर चैल शहर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ही सक्रिय है तो आप यहाँ पर ड्राइविंग बहुत ही ध्यान से करिएगा। इस जगह की खास बात यह है कि अगर मौसम साफ है तो आपको दूर दूर तक के नज़ारे देखने को मिलते हैं, और वही अगर बादल हैं तो बादल आपको आपके नीचे तैरते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों ही चीज़ें बहुत ही आकर्षित लगती हैं। तो अगर हम बात कर लें कि आप चैल में कहाँ रुक सकते हैं, यूँ तो चैल में रुकने के लिए आपको बहुत से होम स्टेज और होटल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था होटल ग्रैंड सनसेट, जो कि चैल शहर से 2 किलोमीटर पहले ही आ जाता है। इस होटल की सबसे खास बात यह है कि ये जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ से आपको चैल फार्म्स के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं, और अगर बादल वाला मौसम है तो आपकी खिड़की के नीचे आपको बादल भी तैरते हुए दिखेंगे। रूम्स के साथ ही आपको अटैच पर्सनल बालकनी भी मिल जाती है, जहाँ पे बैठ के आप लंच, डिनर या फिर अपनी कॉफ़ी का मज़ा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फैमिली सूट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको 2 कंबाइंड रूम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल, बच्चों के लिए मिनी एक्टिविटीज जैसे कि कैरम बोर्ड, चेस इत्यादि चीज़ें भी मिल जाती है। और अगर इसकी टैरिफ की बात करें तो वो 2500 से 4 से 5000 के बीच में वेरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस होटल के बारे में और जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर डाल देंगे और आप इनसे संपर्क करके चैल की और होटल की बुकिंग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगली जगह जिसे आप चैल में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का ब्यूटीफुल द चैल पैलेस। और इस चैल पैलेस को आपने 3 इडियट्स मूवी में ज़रूर देखा होगा, जब आमिर खान को ढूंढते हुए उसके दोस्त एक घर पे आते हैं। तो दोस्तों, ये वही घर है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। चैल पैलेस का निर्माण उस वक्त के पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने करवाया था, जब उन्हें ब्रिटिशर्स ने शिमला से एक्सपेल कर दिया था, तो उन्होंने अपनी ही समर कैपिटल बनाने का फैसला किया और उन्होंने उसके लिए चैल को चुना। और आज भी आपको इस पैलेस में महाराजा और महारानी के उस वक्त के कमरे देखने को मिलते हैं। और आज ये चैल पैलेस हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के अंडर आता है और इसे वो एक लग्जरी होटल के रूप में चलाते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन लग्जरी रूम्स को बुक भी कर सकते हैं। चैल पैलेस चैल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और अगर आप इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो चैल पैलेस से खूबसूरत जगह शायद ही आपको पूरे चैल में देखने को मिलेगी। इसे घूमने के लिए आपको आधे से एक घंटे का वक्त ही लगेगा, और चैल पैलेस के सामने एक बहुत ही बड़ा गार्डन भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप कॉफ़ी, समोसे या फिर अदर स्नैक्स का मज़ा उठा सकते हैं। अगली जगह जिसे आप चैल में विजिट कर सकते हैं
वो है चैल का स्टोन कुम शिव टेम्पल। ये शिवा टेम्पल चैल की सबसे हिडन जगहों में से एक है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस जगह को विजिट करने के लिए हमारा सजेशन ये है कि आप नीचे ही गाड़ी पार्क कर दें और 10 से 15 मिनट की वॉक आप बिना गाड़ी के ही करें, क्योंकि रोड बहुत ही पतले रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को एक इंसान ने धीरे धीरे करके बनाया है, जिनका नाम सत्यभूषण है। 64 साल के सत्यभूषण जी ने 36 साल लेके इस मंदिर का निर्माण किया और आज ये एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ गई है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पहले इसे अपने सपने में देखा था और फिर इसका बाद में निर्माण करना शुरू कर दिया। इस मंदिर का यूनिक आर्किटेक्चर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मेटल वायर्स से बना हुआ ये टेम्पल और साथ ही में सीमेंट के ऐसे इस्तेमाल से कि आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। और उसके साथ साथ आपको 100 से 150 मीटर की गुफा भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर चलने का एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांचक होता है। और गुफा के अंत में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। और इस मंदिर के निर्माण के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया तक ने सत्यभूषण जी की स्टोरी को फीचर किया था। और आप जब यहां पर शिव जी की प्रतिमा को देखते हो तो आपको एक अलग ही रूप का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे गणेश की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चैल का ट्रिप प्लान करें तो शिव स्टोन टेम्पल को देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और ऐसी आपको पूरे भारत में शायद ही देखने को मिलेगी। अगली जगह जिसे आप चैल में विजिट कर सकते हैं वो है यहाँ का गुरुद्वारा साहिब। 1907 में निर्मित ये गुरुद्वारा साहिब आज भी चैल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये गुरुद्वारा साहिब आपको 2 पल के लिए मंत्रमुग्ध कर देगा। गुरुद्वारा साहिब का निर्माण उस वक्त के महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने किया था। आज भी यहाँ पे आपको एक केयरटेकर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप भी चैल का ट्रिप प्लान करें तो गुरुद्वारा साहिब में दर्शन जरूर करें और माथा भी जरूर टेक के आएं। तो दोस्तों, चैल को आप किसी भी मौसम में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको गर्मियों में उत्तरी भारत की गर्मी से निजात चाहिए तो चैल आपको चंडीगढ़ के बहुत ही नज़दीक देखने को मिल जाता है। दोस्तों, एक और जगह का सुझाव जो हम आपको देना चाहते हैं वो है मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क चंडीगढ़ और सोलन के बीच में पड़ता है। तो जब आप चैल की तरफ जाएं तो चैल से 26 किलोमीटर पहले ही मोहन शक्ति पार्क आपको देखने को मिलेगा। आपको बस नेशनल हाईवे से एक लिंक रोड पे 7 से 8 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। एंट्रस्ट स्काइज, इतना भव्य और प्राचीन रूप से बनाया गया मंदिर आपको शायद ही इस जगह पे और कहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप संपूर्ण परिवार के साथ सफर कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट हो सकती है। बस अपना कूड़ा करकट अपने ही बैग में डाल के वापस ले जाएं और यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क में आपको थीम पार्क, समुदाय रसोई, अवसाई ब्लॉक, बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जगहें जिन्हें आप अपने चैल के ट्रिप में विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी भी आपके मन में चैल ट्रिप को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे।